हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राघव एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इंडिया में आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इसका सबसे बड़ा अगर किसी को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है तो वो हम स्टूडेंट्स को, इंडिया के यूथ को झेलना पड़ रहा है। किस तरीके से आप देखिए कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का अगर आप देखेंगे तो इतने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो चुके हैं कि आज के टाइम पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। जितने स्कूल्स और कॉलेजेस दोस्तों खुल चुके हैं हमारे इंडिया में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, उतनी कंपनीज ही नहीं है इंडिया में जॉब देने के लिए। आप देखिए, एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, इवन PhD करता है, और आप न्यूज़ में क्या देखते हैं, एक PhD होल्डर चपरासी की जॉब के लिए बैठा। PhD जिसे कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट डिग्री माना जाता है, इवन PhD करने के बाद एक PhD होल्डर इंडिया में क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो आप देखिए कि इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना गिर चुका है। सो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे तरीके लेके आया हूँ जो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना सिखाएंगे, प्लस इंटरनेट के जरिए पैसे कैसे कमाए जाए इसके कुछ तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। सो इंटरनेट दोस्तों, अगर आपको एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताऊं तो 2021 तक इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स की आबादी होगी वो 65 करोड़ होगी। इसका मतलब समझिए दोस्तों, G7 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, G7 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड की टॉप 7 कंट्रीज, सबसे ज्यादा आर्थिक आबादी वाली कंट्रीज को हम G7 कंट्रीज में काउंट करते हैं, G7 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो G7 कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन को मिला के जितनी पॉपुलेशन होगी उससे कहीं ज्यादा 65 करोड़ इंटरनेट यूजर्स इंडिया में रहने वाले हैं 2021 में। तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या होता है, मोर द इंटरनेट यूजर्स द मोर द प्रोडक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड द मोर मनी यू विल अर्न ऑन द इंटरनेट। सो इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपका अर्निंग से है। सो दोस्तों, आप देखें इंटरनेट का आज के टाइम पे कितना बड़ा इंपैक्ट रहने वाला है हमारे देश में। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्न मनी थ्रू इंटरनेट। सो दोस्तों, सबसे पहला तरीका इंटरनेट से पैसे कमाने का, जिसको आपने सुना भी होगा कई जगहों पे, कई वेबसाइट्स पे आपने पढ़ा भी होगा, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं, फ्रीलांसिंग का मतलब कि आप किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे, आप बहुत सारी कंपनीज के लिए काम करेंगे। काम क्या करेंगे दोस्तों, आपका किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में कोई अच्छा स्किल है तो आप उस फील्ड के रिलेटेड ही उस कंपनी में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छा करते हैं तो जिस भी कंपनी को किसी वीडियो एडिटर की जरूरत होगी तो आपको हायर करेंगे। आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आप पोस्टर डिजाइनर है, आप टाइपिंग का काम अच्छा कर सकते हैं तो आपको टाइपिंग के काम के फील्ड में अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किल पे, और उसका पे स्केल भी डिपेंड करेगा आपके टाइम पे, आपके एफर्ट्स पे और आपके कंफर्ट जोन में। आप अपने कंफर्टेबल तरीके से अपने घर में बैठ के अपने स्किल को यूटिलाइज करके आपकी जो स्किल्स हैं आप अपनी सर्विसेज दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में वो कंपनीज आपको पैसे देती है। सो दोस्तों, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर रैंक करता है फ्रीलांसिंग के मार्केट के बारे में। फर्स्ट नंबर की बात करो तो USA आता है, एंड सेकंड नंबर पर फ्रीलांसिंग मार्केट में अगर कोई कंट्री आती है तो दोस्तों वो इंडिया आती है। सो आप देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का इंडिया में कितना स्कोप है। अब बात करते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जिसमें एक अच्छे फ्रीलांसर की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, आप IT फील्ड में जा सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप टाइपिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप ट्रांसलेटर की फील्ड में जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो इंडिया में फ्रीलांसिंग में बहुत बूम पे चल रहे हैं। अगर मैं सर्वे की बात करूं तो 55% कंपनीज इस वर्ल्ड में फ्रीलांसर्स को हायर करना प्रेफर करती हैं। इसका कारण जानिए दोस्तों। पहला कारण, अगर एक कंपनी एक एम्प्लॉय को रखेगी तो उसको उस एम्प्लॉय के चार्जेस देने पड़ेंगे, उसको फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, उसको बोनसेस देने पड़ेंगे। और अगर आप देखें, साल में सिर्फ काम 10 महीने का होता है पर सैलरी हमें 12 महीने की देनी पड़ती है उस एम्प्लॉय को। और वहीं अगर हम फ्रीलांसर की बात करें तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट आ जाता है किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल टाइपिंग का काम है, कुछ वेबसाइट पे टाइप करवाना है, तो उसके लिए आप परमानेंटली किसी को हायर नहीं करोगे, आप फ्रीलांसर्स को हायर करेंगे। और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके हम फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं और उनको कुछ मिनिमल सा उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग पे करके एक कंपनी अपना काम करवा लेती है, और फ्रीलांसर्स को फायदा भी होता है। सो दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर करिए अपने आप को, और वहाँ कंपनीज आपको वर्क देंगी। अब बात करते हैं कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें फ्रीलांसिंग का जॉब ऑफर करते हैं। सो दोस्तों, नंबर वन पे जो मेरे अकॉर्डिंग वेबसाइट है वो है अपवर्क। अपवर्क वेबसाइट पे आप जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, अपने स्किल के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने आप को रैंक कीजिए, और वहाँ कंपनीज, जिस भी कंपनी को जरूरत होती है वो कंपनीज उन वेबसाइट्स पे विजिट करती है, वो आपका प्रोफाइल देखती है। प्रोफाइल इन द सेंस आपका एक वहाँ पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा, जहाँ आपको आपने कोई अगर प्रीवियस वर्क किया है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो बनाने के बाद उस प्रोफाइल पे
अपनी डिटेल्स छोड़ दीजिए और जिस भी कंपनी को आपके स्किल की ज़रूरत होगी वो आपको वहाँ पे हायर करेगी या आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं लाइक फीवर, यूथ फॉर वर्क, freelance.com, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बना के बहुत सारी कंपनीज को अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम की कि इंडिया में फ्री लॉन्सिंग करके आप कितनी इनकम कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है द काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू द कंपनी। अगर इंडिया की बात करें, नॉर्मली इंडिया में एक फ्री लॉन्सर 5,000 से लेकर 5 लाख रुपीज भी अर्न करता है। डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी के लिए काम कर रहा है और उसका स्किल क्या है और वो सर्विस किस तरीके की प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको वेस्ट मत जाने दीजिए और किसी भी फ्रीलांस साइट पे लॉगिन करके अपनी पोर्टफोलियो बनाइए और साइड बाय साइड अपनी स्टडीज के साथ इनकम जनरेट करना स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके की टू अर्न मनी ऑन इंटरनेट, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर वे है इंडिया में इंटरनेट के जरिए पैसा कमाने का। ब्लॉगिंग एक्चुअल में होता क्या है? ब्लॉगिंग इज जस्ट लाइक वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट बनाइए, अपना ब्लॉग बनाइए किसी भी टॉपिक को लेके। स्पेशली यंगस्टर्स बहुत करते हैं आज के टाइम पे और यंगस्टर्स थ्रू, इंडिया के यंगस्टर इसी के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं। करना क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है? सिंपल, वेबसाइट बना दीजिए। वेबसाइट्स बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप ब्लॉग्स बनाने के लिए ब्लॉगर यूज कर सकते हैं, गूगल की तरफ से ब्लॉगस्पॉट यूज कर सकते हैं। यहाँ इजी टू अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आपको ब्लॉग और वेबसाइट बनाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो आप इनमें से किसी पे भी जाके वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद आपको वहाँ पे कंटेंट डालना होता है। कंटेंट ऐसा रखिएगा कि जिससे आपका ब्लॉग प्रमोट हो, वेबसाइट्स प्रमोट हो। सिंपल तरीके से बताऊं, कंटेंट इस तरीके का डालिए जो ऑडियंसिस को अट्रैक्ट करे। ब्लॉगिंग में पैसा कमाने का एक ही जरिया है एडसेंस। आप एडसेंस बाय गूगल। इंडिया में बहुत सारे ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमाते हैं। एक बार आपने अपना ब्लॉग बना लिया या अपनी वेबसाइट बना ली, उसके बाद बात आती है प्रमोशन की। अपने ब्लॉग को प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसिस को रीच कीजिए। इसमें इसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। प्रमोशन के बाद आप एडसेंस पे जाके, गूगल एडसेंस आपको एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू पैसा कमाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप एडसेंस के साथ अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को लिंक कीजिए और उसके थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अर्निंग की। ब्लॉगिंग के थ्रू एक नॉर्मल इंडियन, एक नॉर्मल यूथ जो इंडिया में अर्निंग कर रहा है वो 15,000 पर मंथ से लेके 1.5 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर सकता है थ्रू ब्लॉगिंग। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट माय फ्रेंड्स। ब्लॉगिंग के थ्रू इनकम की एक खास बात है दोस्तों। वो क्या खास बात है? ब्लॉगिंग के थ्रू जो जितनी भी आप इनकम कमाते हैं वो सारी पैसिव इनकम में आती है, वो एक्टिव इनकम में नहीं आती। अब पैसिव इनकम क्या होती है, पहले मैं बताता हूँ एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम वो होती है दोस्तों जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आप पैसा कमाएंगे। जब तक आपने काम खत्म किया, काम खत्म, पैसा मिला, काम खत्म। पर पैसिव इनकम दोस्तों लाइफ टाइम इनकम होती है। आपने एक टाइम काम किया, वो आपको 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इवन 20 ईयर्स और इवन लाइफ टाइम तक आपको वो पैसा जनरेट करके देती है। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। सो अगर आपका ब्लॉग एक बार चल गया तो एडसेंस के थ्रू आप लाइफ टाइम उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न मनी नाउअडेज और बहुत सारे यंगस्टर्स इसके साथ जुड़ के एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट तरीका है दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों क्या होता है? आपने बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स का नाम सुना होगा, Amazon, Flipkart, Snapdeal। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या करना होता है? इट इज सेम लाइक ब्लॉगिंग। आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना ब्लॉग बनाना है, उसको प्रमोट करना है, ऑडियंसिस को अट्रैक्ट करना है। पर इसमें आप एड्स दिखाने के बजाय आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप Amazon का एग्जाम्पल लीजिए। आप Amazon पे एक शूज़ को प्रमोट करने के लिए, एक शूज़ के प्रमोशन के लिए आप जाते हैं और उस शूज़ का प्रमोशन आप अपनी वेबसाइट पे करते हैं या अपने ब्लॉग पे करते हैं और जितने भी यूज़र्स उस वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के थ्रू उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और Amazon की साइट पे जाएंगे, अगर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका कुछ 10-20% डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी आपको मिलता है। ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 2016 में ये 600 करोड़ की इंडस्ट्री थी। लेकिन माई डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सर्वे 2020 तक ये 6000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, ई कॉमर्स में राइज होगा तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी राइज होगा। सो अब मैं समझाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की वर्किंग किस तरीके से होती है। आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक कहीं ना कहीं वहाँ लिंक मिलेगा एफिलिएट मार्केटिंग का। वहाँ पर जाके आपको अकाउंट बनाना होता है, एज अ एफिलिएट रजिस्टर होना होता है। उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट के लिए आपका एक अपना यूनिक लिंक दिया जाता है। वो लिंक आपको शेयर करना होता है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए कीजिए, चाहे व्हाट्सएप के जरिए कीजिए, चाहे अपनी वेबसाइट्स के जरिए कीजिए, किसी भी तरीके से वो लिंक शेयर कीजिए। और अगर कोई भी यूज़र, कोई भी कस्टमर आपके उस लिंक के जरिए उस प्रोडक्ट की साइट पे जाता है,
और उस प्रोडक्ट को अगर खरीदता है सो उसका 10-15% आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। और मान लीजिए दोस्तों अगर वो कस्टमर उस समय वो नहीं भी खरीदता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो उस वेबसाइट पे आके दोबारा वो प्रोडक्ट खरीदता है और फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी खरीदता है उसके बजाय कोई और प्रोडक्ट खरीदता है तब भी उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। सो दोस्तों आखिरी स्टेप है वी लॉगिंग। वी लॉगिंग क्या होता है? वी लॉगिंग या जिसे हम कहते हैं नॉर्मल में वीडियो लॉगिंग, ये उन दोस्तों के लिए जिन्हें लिखना पसंद नहीं है। वी लॉगिंग क्या होता है? अगर आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है तो आप वो नॉलेज वीडियोस के थ्रू किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। अब वीडियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो ही यूट्यूब। सो दोस्तों यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू पैसा कमाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूँ। सो दोस्तों मैं बताऊँगा यूट्यूब के जरिए पैसा कमाना सबसे अच्छा तरीका क्यों है। पहला रीज़न, यूट्यूब एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। दूसरा रीजन, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म होने की वजह से आपको यहाँ हाई ऑडियंस मिलता है। ये पहले से ही इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है, यहाँ पहले से ही ऑडियंस है। आपको ऑडियंस को लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है और अगर आपका कंटेंट ऑडियंस को पसंद आता है तो ऑडियंस अपने आप आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होती है। और तीसरा जो सबसे फायदेमंद रीजन है, नो इन्वेस्टमेंट। इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको अपने घर में बैठ के वीडियो शूट करनी है, कहीं पे भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं और अगर वो वीडियोस लोगों को पसंद आती हैं तो आप उनके जरिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ वीडियोस जनरेट करके व्यूज़ लेके पैसा कमाया नहीं जाता है यूट्यूब से। यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए आपको एडसेंस यूज़ करना पड़ता है, अपनी वीडियोज़ में कुछ एडवर्टीजमेंट्स को लिंक करना पड़ता है जिसके थ्रू ही आप पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब पे अर्निंग डिपेंड करती है इंगेजमेंट रेट पे। अब इंगेजमेंट रेट क्या होती है? इंगेजमेंट रेट एड्स के साथ, कि आपका वीडियो एड्स के साथ कितना एंगेज्ड है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक आ जाता है यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करने का, तो इसके ऊपर हम फर्दर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। सो दोस्तों यूट्यूब पे जो अर्निंग होती है वो कुछ मॉडल्स के बेसिस पे होती है। वो मॉडल्स कौन से होते हैं? CPC मॉडल एंड CPV मॉडल। CPC मॉडल क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट पर क्लिक, जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स आपकी यूट्यूब वीडियो पे शो होती हैं उसमें से जो यूज़र्स हैं वो कितनी एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक करते हैं, उस क्लिक के बेसिस पे आपको मनी दिया जाता है। CPV क्या होता है? कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर व्यू का मतलब जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आपके वीडियो के जरिए शेयर किए जाते हैं या आपकी वीडियो पे दिखाए जाते हैं उसमें से कितने यूज़र्स वो एडवर्टीजमेंट को देखते हैं या कितने व्यूज़ उस एडवर्टीजमेंट पे आते हैं। CPV में कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि या तो वीडियो 30 सेकंड्स तक देखी जाए या फिर उस वीडियो को हाफ टाइम से ज़्यादा तक देखा जाए। इन दोनों में से जोन सी भी कंडीशन पहले होती है उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपको व्यूज़ के हिसाब से मनी दिया जाता है। अपनी वीडियो पे एड्स देने के लिए आपको गूगल एडसेंस के साथ अपनी वीडियोस को टाई अप करना होता है और उस एड्स के अकॉर्डिंग एज पर द पॉलिसी ऑफ दैट एडवर्टाइजर आपको मनी दिया जाता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि नॉर्मली इंडिया में यूट्यूब के जरिए पैसा कितना कमाया जाता है। सो अगर हम एवरेज यूट्यूबर देखें या फेमस यूट्यूबर की बात करें, एवरेज यूट्यूबर इंडिया में 5 से लेकर 50,000 रुपये तक कमा सकता है। और अगर हम एडवांस यूट्यूबर की बात करें तो 5 से लेकर 10 लाख रुपए पर महीना भी एक यूट्यूबर यहां से कमा सकता है। सो दोस्तों ये थे कुछ तरीके इंटरनेट से पैसे कमाने के। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। और अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।